मुंबई में एक बार पर छापा मारा गया। इस बार के विषय में पुलिस को शिकायत मिली थी कि इस बार के भीतर जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा है। इस जानकारी के बाद येलो गेट MRA पुलिस स्टेशन और समाज सेवा शाखा ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें 4 बार बाला तथा कस्टमर को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि इस बार का मालिक फरार हो गया है। पकड़ी गई बार बालाओं पर पेटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस बार पर कार्रवाई के बाद मीडिया कर्मियों से एडिशन CP कृष्णराज ने जानकारी दी। तो जनवरी महीने में खुद SS ब्रांच ने यहाँ पर रेड किया था, करीबन 4.5 लाख रुपया कैश मिला था। तब भी 4 लड़कियां तहखाने में छुपा के रखी गई थी और उसके बाद फिर वापस चालू हुआ। आपके ही रीजन में ये पूरा बार है, तो कहीं ना कहीं कि आपको नहीं लगता कि स्थानीय पुलिस से इसको सहयोग है? अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कुछ कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 लड़कियां रखने की ऑर्केस्ट्रा में छूट दी गई है नियम के अनुसार। दूसरी बात यह है यहाँ पर महत्वपूर्ण कि इन लड़कियों को किस तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे 5वीं लड़की अगर होती है तो ये कहीं दूर छुपा कर रखते हैं, गाड़ी में बिठा कर रखते हैं और फिर वो लाई जाती है इन रोटेशन, ऐसा होता है। ये सारी जानकारी जिसे अच्छी तरह से मालूम है वो इसे कर सकता है। तो इसकी इस तरह की कार्रवाइयों के लिए अभी हम सबको जागरूक कर रहे हैं। जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि इस तरह से कार्रवाई में ऑल आर इंटरेस्टेड, सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें पूरी तरह से रुक सकेंगी। एक्चुअली इन सभी लोगों को ये सूचना दी गई है। परसों होटल वाले हमारे पास आए थे, एसोसिएशन के लोग, कि हम केवल 4 लड़कियाँ रखते हैं फिर भी हम पर कार्रवाई हो रही है। हमने यही कहा कि आप लीगल करो, आप 4 लड़कियां जिस नियम के अनुसार रखी गई हैं वैसे रखो तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर नियम तोड़ते हो तो कार्रवाई होगी। अब ये देखना है कि ये कितना नियमों को तोड़ने के लिए कितने तरह के प्रपंच करते हैं और हम कितने सतर्क हैं कि उसे खत्म कर सकते हैं। तो हम इसके लिए ज़रूर चौकसी करेंगे कि क्या इसमें किसकी गलती है। पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये मैसेज डाउन द लाइन जाना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह से इसे दोहराना और इसे करना उचित नहीं होगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर कुछ नियम है, कुछ हमारे बंधन है कि जब तक वो प्रूव नहीं होता क्राइम, तब तक उसे बंद पूरी तरह से नहीं करवाया जा सकता। तो क्राइम प्रूव होने में वक्त लगता है, प्रक्रिया होती है न्यायालय, और उस समय तक हमें बंद करवाने का अधिकार नहीं है। हम आपको बता दें कि एडिशन CP को 20 दिन हुए हैं इस पद पर आए हुए। उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि फैंसी बार में धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और किस बार पर समाज सेवा शाखा की वक्र दृष्टि पड़ती है। कर्नाला TV के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।